अब हमारा सेकेंड ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, पूरा बनारस का ट्रिप खत्म एंड नाउ वी आर गोइंग विंध्याचल, सो वी आर रेडी एंड यस चलते हैं, वेरी एक्साइटेड टू गो देयर एंड यस यहाँ पे ठंड तो है ही नहीं, थोड़ी बहुत ठंड है एंड यस वहाँ चलते हैं, फिर पहुँच कर फिर आपसे बोलते हैं। पहले हम लोग जा रहे हैं काल भैरव की मंदिर पूजा करने को एंड पहले वहाँ दर्शन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और अब हम जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने को, ये है माँ विंध्यवासिनी की तैयारी। पार्किंग में रखने के बाद बहुत दूर पर चलना पड़ता है, उसके बाद और यहाँ से अभी हम प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे माता के दर्शन करने को। जय आपका इंतजार कर रही है, माता की दर्शन में बने हुए पड़ा पाए आप ठीक है निशिक भीड़ देखो पीछे जोर से जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता, पीछे देखो तो भीड़ यार, फिर भी लोग बहुत आगे जय माता दी। हम माँ के गेट पे पहुँच चुके हैं, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हो गए, अच्छे से हमने पूजा कर लिया और अब आगे चलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं माँ काली खो का मंदिर एंड ये थोड़ा आउटर एरिया में है, पता नहीं मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ नाम को या नहीं, मुझे नहीं पता एक्चुअली। आगे जाती हूँ मंदिर के पास फिर मैं देखती हूँ, काली खो ही नाम है शायद एंड यस दिस इज ऑल, चलते हैं। दांत से नहीं पता चलता, देख दांत में कितने पीला है। ये है काली को मंदिर, महाकाली माँ का मंदिर। थैंक यू। काली को मंदिर में पूजा करने के बाद अब हमें प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिला है, अब हम खा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये है वे टू अष्टभुजी माता मंदिर। हमारे ट्रिप का बस लास्ट एक और पूजा बाकी है, वो है अष्टभुजी माता का दर्शन करना। हमने सारा प्रसाद दे लिया है, अभी शाम के 4 बज चुके हैं, बस वहाँ जाना है और पूजा करना है, देन आफ्टर हमारा डन, देन आफ्टर हम अपना लंच करेंगे और फिर बैक टू होम। मोनू के हाथ वाले ली थी। हाँ
अष्टभुजी माता के मंदिर की ओर जाते हुए। अब जितनी भी पूजा थी सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे वापस हजारीबाग जाने का टाइम हो गया है। यहाँ से वापस हम जाएंगे काशी और वहाँ से है हमारी बस और वापस हम अपने घर अपने शहर हजारीबाग। थैंक यू सो मच वाराणसी इतनी प्यारी यादें देने के लिए, ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू से रूबरू करवाने के लिए। बनारस इसीलिए लोग कहते हैं एक बार आओगे यहीं के होके रह जाओगे, इसके रंग में रंग जाओगे, और ये बात सही है। तो यहाँ का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला एंड बहुत अच्छा लगा। अलग फीलिंग है, मन कर रहा है बार बार वहाँ जाऊँ, सारी यादों को अपने साथ कैप्चर करके अब मैं वापस आ रही हूँ। महादेव का नगरी बनारस कहने को तो बहुत कुछ है, पर लगता है सारी चीज़ें व्यर्थ है बोलना। बस आप वहाँ की फीलिंग को फील कर लेते हो, बनारस के रंगों में रंग जाते हो, बस आपकी यात्रा सफल हो जाती है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा बनारस की ट्रिप हमारे साथ एंजॉय करके। मैंने जहाँ जहाँ पूजा किया, जहाँ जहाँ अलाव था कैमरा यूज़ करना मैंने करा, और अपने साथ साथ आपको भी दर्शन करवाया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।